स्टार्ट विद द नेम ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह हु इज द मोस्ट ग्रेशियस एंड द मोस्ट मर्सीफुल। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है मॉडेम इट्स वर्किंग इन फीचर्स। मॉडेम के बारे में बात करेंगे बड़ी डिटेल से, उसके काम के बारे में बात करेंगे, मॉडेम कैसे काम करता है और मॉडेम के फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग मॉडेम को स्टार्ट करते हैं। मॉडेम क्या होता है जी? मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम का जो एम ओ है इससे मुराद है मॉड्यूलेटर और डी ई एम जो है इससे मुराद है डी मॉड्यूलेटर। मैं एक जनरल सा कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर देता हूँ, फिर इसके बाद डिटेल मजीद जानते हैं। देखें जी, जो मॉड्यूलेटर होता है यानी कि एम ओ, इससे मुराद मॉड्यूलेटर है। और मॉड्यूलेटर से मुराद ये है, बल्कि इस मुराद से जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जो डाटा कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है वो डिजिटल फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। उस डिजिटल फॉर्म के बाद जब डाटा ट्रैवल करता है तो वो एनालॉग फॉर्म के अंदर ट्रैवल करता है। देखिए, जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा जाएगा, फ़र्ज़ करते हैं एक कंप्यूटर में जब डाटा था तो वो डिजिटल फॉर्म में था, अब उसने ट्रैवल एनालॉग फॉर्म में करना है, तो वो जो मॉडेम होगा यानी कि मॉड्यूलेटर होगा, वो उसे एनालॉग फॉर्म में, डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्म के अंदर डाटा था, मॉड्यूलेटर ने उसे एनालॉग फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जब वो डाटा दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचेगा, वहां पर डी मॉड्यूलेटर होगा, वो क्या करेगा, एनालॉग फॉर्म के अंदर जो डाटा आ रहा है पीछे से वो उसे डी मॉड्यूलेट कर देगा, दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। उम्मीद है आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पॉइंट की जानिब चलते हैं और वो है इट इज़ अ कॉमनली यूज कम्युनिकेशन डिवाइस। एक आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली जो है वो डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, डाटा ट्रांसफ़र करने वाली डिवाइस है। मॉडेम सेंड्स एंड रिसीव्स डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट थ्रू टेलीफोन लाइन्स। ये टेलीफोन लाइन्स के जरिए डाटा को सेंड और रिसीव करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर्स बोथ मस्ट हैव मॉडेम्स। इनके मतलब सेंडिंग और रिसीविंग कंप्यूटर के अंदर मॉडेम जो है वो होने चाहिए। आगे अगली वीडियो के अंदर हमने टाइप्स ऑफ मॉडेम देखने हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल मॉडेम है। मतलब ये है किसी भी टाइप का जो है मॉडेम उस डिवाइस के अंदर होना चाहिए जिसके पास हमने डाटा ट्रांसफ़र करना है। इसका किस तरह के आपके पास मॉडेम हो सकता है, आपके सिस्टम में कहाँ लगा हुआ हो सकता है, इसका कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। अब हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ मॉडेम के बारे में। मॉडेम कैसे काम करता है जी? मॉडेम जो है इस तरह से काम करता है कि कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स के अंदर, डिजिटल फॉर्म के अंदर डाटा कंप्यूटर स्टोर करता है। फिर हाउएवर द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड ओवर द टेलीफोन लाइंस इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। जो भी हो, डाटा जो ट्रांसफ़र होता है जब तो एनालॉग फॉर्म के अंदर होता है। द मॉडेम रिसीव्स डाटा फ्रॉम कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म एंड कन्वर्ट्स इट इनटू एनालॉग फॉर्म। अब ये जो मॉडेम है वो कंप्यूटर से जब डाटा ट्रांसफ़र, कंप्यूटर जब इसे कहता है यार ये डाटा ट्रांसफ़र करना है, तो मॉडेम क्या करता है, उसे एनालॉग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मॉड्यूलेशन कहलाती है। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, इसलिए रीड करके जहाँ से बता रहा हूँ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मतलब जहाँ पर जो कुछ मैंने लिखा है वो आपने याद करना है। इट सेंड्स एनालॉग सिग्नल्स टू अदर कंप्यूटर यूजिंग टेलीफोन लाइन्स। ये एनालॉग सिग्नल को टेलीफोन लाइन्स के जरिए से, टेलीफोन लाइन्स हमारा PTCL की वायर्स जैसे होती हैं, उस तरह से वायर्स के जरिए से डाटा को ट्रांसफ़र करता है। द मॉडेम ऑन रिसीविंग कंप्यूटर रिसीव्स डाटा इन एनालॉग फॉर्म। अब जो मॉडेम जो रिसीविंग कंप्यूटर के साथ होता है वो एनालॉग फॉर्म के अंदर डाटा को रिसीव करता है। फिर क्या करता है, इट कन्वर्ट्स द एनालॉग डाटा बैक इनटू डिजिटल फॉर्म। ये डिजिटल फॉर्म के अंदर डाटा को कन्वर्ट कर देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी मॉड्यूलेशन, इसको डी मॉड्यूलेशन कहते हैं। अब मॉडेम की मो यानी कि मॉड्यूलेशन और डेम से डी मॉड्यूलेटर या डी मॉड्यूलेशन आपको समझ आ गई होगी। अब हमने फीचर्स ऑफ मॉडेम के बारे में बात करनी है। फीचर से मुराद इसकी खसूसियात क्या है, चार तकरीबन खसूसियात हैं, वो हम लोग यहाँ देखनी है। सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉडेम आर एज़ फॉलोज। सबसे पहली जो है इसकी स्पीड है, जो फीचर्स हैं वो मैंने बोल्ड किए हुए, बाकी पॉइंट्स सब के साथ लगे हुए हैं। तो स्पीड जो इसका फीचर है उसमें क्या है जी, इन द रेट एट विच द रेट इट इज़ द रेट एट विच मॉडेम कैन सेंड डाटा इन BPS। ये मतलब स्पीड है जिसके अंदर जो मॉडेम है वो डाटा बिट पर सेकंड के अंदर सेंड कर सकता है। बी जहाँ पर छोटा लिखा हो वहाँ से बिट है, और बी अगर बड़ा लिखा हो तो वो बाइट पर सेकंड है। बिट बाइट KBP KMGT
ये सारे जो हैं हमने यानी कि बी बड़ा बी के एम जी टी हमने टाइप्स ऑफ जो है इसका हमने देखा है कि मतलब जहाँ डाटा स्टोरेज के जो यूनिट्स हैं उनके अंदर डिटेल से और याद करने का मैंने तरीका भी बताया हुआ है कि एम जी टी अभी मैं आपको तो किलो मेगा गेगा टेरा जो है ये इनसे बनते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टिपिकली मॉडम स्पीड आर 300 bps टू 56 kbps मॉडम की जो नॉर्मल स्पीड होती है वो 300 बिट पर सेकंड से लेकर 56 किलो बिट पर सेकंड तक होती है। किलो का मतलब हज़ार है। अब सेल्फ टेस्टिंग इसके अंदर इसका एक फीचर है सेल्फ टेस्टिंग। सेल्फ टेस्टिंग क्या है? मॉडम कैन टेस्ट द डिजिटल कनेक्शन विद कंप्यूटर। ये कंप्यूटर्स के साथ डिजिटल कनेक्शन को चेक कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन आल्सो टेस्ट एनालॉग कनेक्शन विद रिमोट मॉडम। दूसरे मॉडम के साथ रिमोट कनेक्शन एनालॉग कनेक्शन भी चेक कर सकता है। अगला जो इसका हमारे पास टाइप है इसकी फीचर है वॉइस ओवर डाटा है। क्या है जी? ये मॉडम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ वॉइस ओवर वॉइस कन्वर्सेशन। ये वॉइस की कन्वर्सेशन की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। मतलब हम लोग वॉइस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं व्हाइल द डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो हम लोग अपनी वॉइस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब तो मॉडम मॉडर्न आ गए हैं। ये पहले की बात हो रही है स्टार्ट की, आपको मॉडम का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब तो हम वॉइस भी ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब हमें कोई फ़र्क नहीं होता जैसे हम टेक्स्ट ट्रांसफ़र करते हैं वैसे वॉइस भी ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वॉइस ट्रांसफ़र में ज़्यादा टाइम लगता है रादर देन दैट ऑफ टेक्स्ट। तो बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन मॉडम शुड हैव दिस फीचर। अब ये वॉइस ट्रांसमिशन फीचर जो है मॉडम के अंदर होनी चाहिए। अब जैसे हम अपने मोबाइल से वॉइस ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर हमें पता है क्योंकि मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, मॉडर्न मोबाइल सिस्टम्स हैं जिनके अंदर वॉइस का फीचर होता है। तो ये हम लोग जहाँ से मॉडम का कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है हम लोग उसके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। स्टार्ट से अब तक के कॉन्सेप्ट को अब आप पता चल गए। एरर कंट्रोल जो लास्ट हमारा पॉइंट है ये क्या है कि मॉडम यूज डिफरेंट मेथड्स टू कंट्रोल एरर्स फॉर ट्रांसमिटेड डाटा। डाटा जब ट्रांसमिट हो रहा है तो इसके अंदर मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं ताकि एरर को कंट्रोल किया जा सके, एरर को रोका जा सके। किसमें जी? डाटा ट्रांसफ़र होने में। अगर एरर आ जाता है तो हमारा डाटा सही से ट्रांसफ़र नहीं होता, जो कि बड़ी गलत बात है। तो इस वीडियो में हमने ये कुछ देखना था। यहाँ पर हमारी स्लाइड